बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच भाजपा के राष्ट्रीय आह्वान पर शनिवार को जींद में भाजपा कार्यकर्ताओं का एसवाईएल के मुद्दे पर उपवास कार्यक्रम बनकर रह गया। इसमें मुट्ठी भर कार्यकर्ता ही जुट पाए। जिला स्तर पर भाजपा कार्यालयों में आयोजित इस उपवास कार्यक्रम में स्थानीय विधायक डॉ. कृष्ण मिर्जा, हिसार से सांसद विजेंद्र सिंह व पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह रहे। जिला भाजपा प्रधान राजू मोहर की अगुवाई में सुबह से शाम तक रखे गए उपवास में कार्यकर्ताओं की हाजिरी काफी कम रही। मुख्य तौर पर पूर्व प्रधान अमरपाल राणा, पूर्व प्रदेश सचिव जवाहर सैनी, बलकार डाहोला, संदीप लोहान, डॉक्टर राज सैनी आदि शामिल थे। इसी बीच एक वाक्य और नजर आया, जहां भाजपा ने उपवास कार्यक्रम आयोजित किया था, वहीं उनका यह उपवास उपहास का किस्सा बनता नजर आया, क्योंकि उनके कार्यकर्ता चाय पीते चिप्स खाते नजर आए। अच्छा, किस तरह का उपवास रखा, क्यों आवश्यकता पड़ी भाजपा को उपवास रखने की? देखिए, एसवाईएल का मुद्दा बहुत पुराना लंबित मुद्दा है और हरियाणा की लाइफ लाइन है एसवाईएल। पूरे दक्षिण हरियाणा को इससे पानी मिलने वाला है और पंजाब के भाई जो किसान आंदोलन अभी कर रहे हैं, उन्होंने किसान आंदोलन किया, दिल्ली के नज़दीक पहुँचे, हमारे भाई भी किसान वहाँ जा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी इस बात में, कोई पंचायत जब होती है या कोई धरना इस तरह का होता है, तो क्यों ना हम भी अपनी तरफ से अपना पक्ष रख दें कि वह एसवाईएल का पानी पंजाब हरियाणा का बड़ा भाई है, बड़े भाई के नाते वो हमारा पानी हमारा हाथ दे दें। अच्छा, मंत्री वीरेंद्र सिंह जो भाजपा के, उन्होंने भी समर्थन दिया किसानों को? देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपनी बात रखी है, उन्होंने कहा है कि भाई मैं किसान कहेंगे तो मैं चुनावी राजनीति नहीं करूँगा और किसानों के साथ मिलकर किसानों की बात रखूँगा। तो इसमें क्या बुराई है, कोई भी नेता या कोई राजनीतिक आदमी किसानों से बात करे, करनी चाहिए। आपको शुभ नाम जी? राजकुमार। तो ये जो उपवास आज रखा है एसवाईएल के, इससे दो महीने पहले क्यों नहीं रखा? क्योंकि अभी तो जैसे कि किसान आंदोलन चला हुआ है, तीन अध्यादेश जो केंद्र सरकार ने लागू किए हैं, और एक तरफ जो किसान दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ पर एसवाईएल का मुद्दा उठाया हुआ है बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, आज उपवास भी है, तो ये दो महीने पहले क्यों नहीं उठाया? देखिए, अभी ये आंदोलन शुरू हुआ है और पंजाब के हमारे भाई हरियाणा बॉर्डर पर, दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं, और आपको पता है जब भी कोई पंचायत या इस तरह का कोई आंदोलन होता है तो सारी बातें उठती हैं, तो अभी हमारे भाई आए हुए हैं तो हमने अपनी बात उनके पास रखने के लिए, उनके बीच पहुंचाने के लिए, पंजाब के पास पहुंचाने के लिए ये उपवास का रखा है। तो किसानों द्वारा कुछ ऐसी भी नोटिफिकेशन आए हैं कि ये जो एसवाईएल का मुद्दा उठाया बीजेपी पार्टी द्वारा, ये उस किसान आंदोलन को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने का एक सोच पार्टी? मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई विषय है नहीं, किसान आंदोलन अपनी जगह है, एसवाईएल का मुद्दा अपनी जगह है, और जब भी कोई पंचायत होती है तो सारे विषय उठते हैं और सभी विषय पर बात होनी चाहिए और सभी विषय का समाधान होना चाहिए। ठीक है। एक और आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्ष जो है वो किसानों को उकसा रहा है, तो भाजपा के जो नेता लोग हैं वो गाँवों में इसको लेकर क्यों नहीं जागरूक कर रहे किसानों? जाएंगे, गाँव गाँव को जाएंगे, अभी तीन दिन पहले से हमारे कार्यक्रम शुरू हुए हैं, उससे पहले भी किसानों से हम बात कर रहे हैं, आगे भी 20 से 30 तारीख तक हमारे कार्यक्रम है, किसान गोष्ठी करेंगे, 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी हर जिला मुख्यालय पर किसानों के साथ संवाद करेंगे वर्चुअल बैठक से। आपको लगता है कि विपक्ष भारी पड़ रहा है भाजपा के प्रयासों? नहीं, विपक्ष कहाँ भारी पड़ रहा है, विपक्ष अगर भारी पड़ता तो सारे किसान नहीं उठ के जाते, कितने किसान गए हैं? तो आप कितने मानते हो कितने किसान गए हैं? नहीं, मैं आप देख के, मैं तो गया नहीं उधर, मैं तो जिला मुख्यालय पर हूँ, जिला जींद के मेरे ऊपर दायित्व है, मैं तो उधर गया नहीं। नहीं, मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है, ना मैं उधर गया हूँ। अगर मेरे ज़िले से इतने किसान नहीं गए, बहुत कम किसान गए, बहुत ही कम, और जाके वापस आ जाते, देख के वहाँ का माहौल वापस आ जाता है। किसान तो है, पंजाब का किसान है, मैं इसे कैसे कह दूँ किसान नहीं है। ठीक है। अच्छा, किस तरह का उपवास रखा गया है यहाँ पर, किसान कितने आए हुए हैं उपवास? ये जितने बैठे हैं अधिकतर इसमें से किसान ही हैं, और आज ये उपवास आज सुबह 9 बजे से शुरू हुआ था और शाम 5 बजे तक एसवाईएल के मुद्दे पर रहेगा, जो सुप्रीम कोर्ट के 2002 में और 2004 में भी जो हरियाणा के पक्ष में एसवाईएल के समर्थन में यानी इनके पक्ष में आया था, लेकिन उसके बाद भी पंजाब ने अभी तक आज तक भी एसवाईएल नहर का पानी हरियाणा को नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम किसानों ने आवाज़ उठाई है कि हरियाणा का पानी, हरियाणा का हिस्सा जो है पंजाब से एसवाईएल नहर के माध्यम से मिलना चाहिए। आपका शुभ नाम जी? संदीप लोहान, जिला किसान मोर्चा अध्यक्ष, जिला जींद। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।